नाम क्या है आपका? जमाल। जमाल भाई एक बात बताइए, ये 103 विधानसभा से भाजपा ने कैंडिडेट बनाया जुनेद को, आज जैतरा क्षेत्र में हमला होने की जो है उनकी कुछ शिकायत मिली है, क्या हमला हुआ और कौन लोग हैं जिन्होंने हमला कराया? ये जो जुनेद मियां के ऊपर जो जानलेवा हमले की कोशिश की गई है, और वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनकी जान को बख्श दिया है। और जुनेद मियां कोई एक समाज के नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता हैं, और उनके साथ ये कायरतापूर्ण जो हरकत की जा रही है, जो बुजदली का सबूत दे रहे हैं, अगर उन्हें मुकाबला करना है तो वो मैदान में आ जाए, कहीं भी खड़ा होकर मुकाबला कर लें, हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जुनेद मियां सर्व समाज के नेता हैं, मुस्लिम समाज के नेता नहीं है। उनको हर वर्ग का प्यार मिल रहा है, अपार प्यार मिल रहा है, जिसकी सफलता को देखते हुए विरोधी घबराए हुए हैं और वो अपनी हार को, इस हमले से वो अपनी हार को निश्चित मान चुके हैं। कौन लोग हो सकते हैं जो इस परिवार पे जो हमला कराना? ये विरोधी लोग हैं जो परिवार पे हमला किया है और इसका जवाब उन्हें दिया जाएगा। जुनेद भाई, आपको जो है 103 विधानसभा अलीगंज से जो है भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है, आज सूचना मिली है आपके यहाँ जो है लोगों की भीड़ लगी है, क्या घटना हुई है और क्या वारदात हुई है? आज तरगमा के पास एक बंजारों का नगला पड़ता है, वहाँ के लोगों ने बुलाया था, उनकी समस्याएं थी वो सुनने के लिए हम वहाँ पे गए। जब वहाँ पे गए, जाने के बाद जब वहाँ से निकले तो जब रोड पे चल रहे थे तो एक बुलेरो वाइट कलर की कंटिन्यूसली आगे पीछे कर रही थी। उसके बाद नगला बसा पड़ता है जिसके लिए लेफ्ट को टर्न होते हैं, जब नगले की तरफ से आते हैं आगे जाके लेफ्ट को टर्न होते हैं। तो जब हम वहाँ रुके तो वहाँ कुछ लोग थे, वो सम्मान करना चाहते थे हमारा, तो वहाँ पर हमने गाड़ी रोक के उतरे, उन्होंने सम्मान किया वहाँ पे। वो फिर बुलेरो ने देखा कि जब हम नगला बसा की तरफ ट्रांसफर टर्न ले रहे हैं तो फिर वो आगे से बैक करके फिर आके हमारे पीछे लग गई। फिर आगे कोने पे एक घर पड़ता है, वहाँ पे लोगों ने सम्मान किया, वहाँ उतारा। जब वहाँ उतारा तो आदरणीय रामकिशोर यादव जी साथ थे हमारे पूरी घटना में, तो वो जब वहाँ से चले तो बुलेरो वाला अपनी नंबर प्लेट हटा रहा था, हमारा गौर नहीं गया उसकी तरफ, आदरणीय प्रमुख जी ने उसको देख लिया ये करते हुए। उसके बाद जब हम आगे गए, आगे जाके जब हम नगला बसा में घुसे, नगला बसा में 5 से 10 घर मुसलमानों के हैं, बाकी जाटवों के हैं, कुछ कठेरिया समाज के हैं। तो जब वहाँ गाड़ी घुसने वाली थी अंदर, उससे पहले उन्होंने बुलेरो आगे गाड़ी लगा दी हम लोगों के और कहने लगे पकड़ के मार लो सालों को यहीं पे। उसके बाद जब हम उतर के हमने, जो हमारे साथ सरकारी सुरक्षा है वो भी साथ में थी, उसके बाद जो लड़कों ने उतर के आगे जाके पकड़ा भाग के, तो 5 लोग थे, 5 में से 3 तो भाग गए, 2 को पकड़ लिया था। 2 को पकड़ने के साथ जो उनके साथ करना चाहिए था वो करा, उनके पास करीब 6 मोबाइल निकले 2 लोगों के पास। क्या लगता है कि इस चुनावी समय में, क्योंकि आपका जो है राजनीति से बड़ा सरोकार रहा है और पहली बार जो है बसपा ने आपको कैंडिडेट बनाया है, आपका जन समर्थन देख के क्या लोग बौखलाए हुए क्या? ये जन समर्थन जो है ये मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, और जिस तरीके से मुझे अगर ये सोच रहे हैं वो इस तरह से डरा लेंगे तो ये उनकी भूल है। और नंदू जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था मुझे अंदाज़ा था कि मेरे साथ ये होगा, आई वॉज़ वेरी मच प्रिपेयर फॉर इट, मैं पूरी तरह से तैयार था इस चीज़ के लिए। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, विपक्षी बौखलाए हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार का कोई खतरा है क्या? चुनाव तक तो खतरा है ही, ये चीज़ तो स्पष्ट है। कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर हमला कराया है? उसमें से जब 2 लोगों को पकड़ा था आपने, मेरी जो मुहिम है आज के समय में वो नौजवानों को शिक्षा दिलाने और रोजगार दिलाने की है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ये हरकत कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, क्या हो, तो उसने मुझे बताया BSc है, तो मैंने कहा तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा,
मैं उस तरह की राजनीति नहीं करना चाहता जिस तरह की लोग पूर्व में करे हैं। मेरा साफ तौर से आपसे सवाल है कि आपके परिवार पे हमला कराने वाले लोग कौन? अब भैया स्पष्ट तौर से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदमी समझदार है, आप लोग समझदार हैं, किसने कौन करा सकता है ऐसा? क्या समाजवादी पार्टी उसमें पूरा मटेरियल जो भी होगा वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन हमने किसी भी तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी है, किसी की तरह कोई कार्रवाई नहीं करी है, क्योंकि वो लड़के पढ़े लिखे थे। मैं जानता हूं अगर मुकदमा लिख जाता तो उनका करियर ख़त्म हो जाता। मैं ये नहीं चाहता, मैं जिस जो मुहिम मैंने शुरू की है शिक्षा और रोज़गार की, मैं उसके तहत मैं अपनी बात ख़राब नहीं करना चाहता। क्या लगता है कि ये जो घटना कराई गई है, ये घटना जो है आपको जान से मारने की नीयत से कराई गई है या केवल आपके चुनाव को प्रभावित कराने के लिए कराई गई? अब जब सामने गाड़ी लगा दी और ये हरकत करी तो स्वाभाविक बात है किस चीज़ के लिए कराई जाएगी, आपको समझदार हैं। क्या चाहते हैं ऐसे में जो है चुनाव आयोग से मांग क्या आपकी, कोई सुरक्षा की आवश्यकता है? सुरक्षा ऑलरेडी, मैं माननीय इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ऑलरेडी सुरक्षा दे रखी है, तो इसमें किसी तरह की वो नहीं है, कोताही नहीं है। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूं, जो हालात हैं अलीगंज के आज ख़ास तौर से जैथरा क्षेत्र का, जो मैं भय और खौफ देख रहा हूँ आदमी में कि वोट डालने के लिए अभी भी डर रहे हैं वो लोग। मैं साफ तौर से बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिससे आपके परिवार को जो है लगातार खतरा बना हुआ है और जिसकी आप जो है सुरक्षा की मांग कर सकते हैं लगातार? इस प्रवृत्ति का जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनसे ही उम्मीद है, ऐसी और तो किसी से उम्मीद है नहीं। इस तरह की इस घटिया और गंदी राजनीति की उन्हीं से उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है।